हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई ट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाला हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है बोल रहा है, और स्टैचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. देखिए pedestal का मतलब समझिए, एक कुर्सी है, एक कुर्सी होता है जिस पर हम statue को रखते हैं। statue मतलब किसी चीज का मूर्ति को रखते हैं, एक प्रकार का एक भी चेयर है, ठीक है ना। चेयर नहीं लिखा है, मतलब कुर्सी रहता है, मतलब कुर्सी शेप में रहता है। उस पर जैसे आप लोग को अवार्ड वार्ड मिलता होगा ऐसे शेप में रहता होगा, ठीक, ऐसे शेप में रहता है, लगभग ऐसे ही रहता है। और इसके ऊपर किसी चीज का मूर्ति बना है, जैसे मान लीजिए गांधी जी का मूर्ति बना है, किसी चीज का मूर्ति बना है, तो ऐसे शेप में किसी चीज का मूर्ति बन गया, ठीक, किसी चीज का मूर्ति बन गया। तो यही आपका पेडेस्टल है। पेडेस्टल मतलब स्टैचू के नीचे वाला जो रहता है कुर्सी, उसी को पेजेस्टल बोलते हैं। तो यहां पास हम मान लेते हैं कि ये भी हमारा एक पेजेस्टल है, ठीक। चलिए अब इस ए बी के ऊपर एक स्टैचू है, ऐसे ए बी लेते हैं। इस ए बी के ऊपर एक स्टैचू है, मान लेते हैं बीसी हमारा क्या है, वो स्टैचू है, ठीक। चलिए अब जो पेजेस्टल होगा वो ग्राउंड पर ही ना होगा, मूर्ति कहां बनता है, पेजेस्टल के ऊपर, पेजेस्टल कहां रहेगा, ग्राउंड के ऊपर, ठीक। तो ग्राउंड के ऊपर एक और पॉइंट है, इसका नाम देता हूं मैं डी। ग्राउंड पर एक पॉइंट डी है, ये भी ग्राउंड, इसको मैच कर देते हैं, डी है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है From a point on the ground, the angle of the elevation of top of the statue is 60 degree. कहने का मतलब यह है कि ग्राउंड पर जो पॉइंट डी है, ठीक है ना, उस पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस स्टैचू के टॉप से 60 डिग्री का। ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्या है, स्टैचू है, और ये आपका क्या है, पेजेस्टल है। तो स्टैचू का टॉप क्या हुआ, सी। तो सी पॉइंट से डी पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ग्राउंड पर, वो बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक। उसके बाद बोल रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी सेम पॉइंट पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेजेस्टल इज 45 डिग्री। अब देखिए पहले उस पॉइंट पर स्टैचू के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बना था, अब पेजेस्टल के टॉप से, यानी पेजेस्टल का टॉप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसी पॉइंट पर, वो बन रहा है 45 डिग्री का। यहां पास 45 डिग्री बन रहा है, मतलब इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो है 60 डिग्री का, और पेजेस्टल के टॉप से बना है वो है 45 डिग्री का। तो इस आधार पर हमको इस पेजेस्टल का हाइट बताना है, पेजेस्टल का हाइट बताना है। एक मिनट थोड़ा चेक कर लेता हूं, या स्टैचू का बताना है, क्वेश्चन में तो गलत नहीं लिखा ना मैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पेजेस्टल, पेजेस्टल का हाइट बताना है हमको, बताते हैं ये वाला हाइट। सबसे पहले लेट करेंगे हम, लेट स्टैचू का वो दिया है, स्टैचू का जो वैल्यू है वो दिया है, मैं नोटिस नहीं किया था। स्टैचू का जो हाइट है वो दिया है 1.6 मीटर, मतलब इस पेजेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर का एक स्टैचू है, ठीक। अब हमको पेजेस्टल का हाइट बताना है, थोड़ा ध्यान नहीं दिया था मैं, हो गया। स्टैचू का जो हाइट है वो है 1.6 मीटर, अब हम पेजेस्टल का हाइट आराम से बता पाएंगे, या पा लिखेंगे लेट ए बी बी द हाइट ऑफ पेजेस्टल, हाइट ऑफ द
पेजेस्टल। चलिए हमने लेट कर लिया कि एबी जो है वो पेजेस्टल का हाइट है या फिर पेजेस्टल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ऐसे लिखता हूं, इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बी ए डी। देखिए ये जो पेजेस्टल होता है वो जमीन पर खड़ा रहता है, मतलब खड़ा रहेगा तो वहां पास 90 डिग्री बनना ही बनना है, मतलब जो चीज जमीन पर टिका है मतलब खड़ा है। जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है ना, एकदम एग्जैक्ट एकदम ठीक से एकदम खड़ा हूं, तो 90 डिग्री पर खड़ा हूं मैं। जो दीवार है ये 90 डिग्री पर खड़ा है। ये जो ट्राइपोड है, भले तीन जो इसका गोड़ है, लेकिन जो कैमरा है एकदम सेंटर पे खड़ा होगा, और सेंटर गिराएंगे ना तो 90 डिग्री पर होगा, मतलब एकदम कैमरा के नीचे अगर देखेंगे। कहने का मतलब यह है कि ट्राइपोड में जो बीच वाला ये जो डंडी है वो 90 डिग्री पर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ट्रायंगल में बी ए डी ट्रायंगल में ये जो एंगल ए है वो 90 डिग्री का है। अब देखिए अगर मैं इसमें 10 डी अप्लाई करूं, 10 डी मतलब थीटा के जगह पे डी रख रहा हूं, ठीक है ना, तो यहां पास हो जाएगा ए बी अपॉन में ए डी, क्योंकि 10 का वैल्यू हमको मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। जब लिखेंगे 10 डी इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है इसमें ए बी है, बेस क्या है ए डी है, अब डी के जगह पे हम रखेंगे 45 डिग्री, क्योंकि इस एंगल में ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। अब लिखेंगे 10 45 इक्वल टू ए बी अपॉन में ए डी, 45 का वैल्यू होता है 1, ए बी अपॉन में ए डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। यानी ये वाला ए बी और ये वाला ए डी इक्वल है, फिगर में भले इक्वल नहीं दिख रहा है लेकिन इक्वल है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल है। ठीक, और फिगर में हमको पहले से मालूम होता है इक्वल है तो हम ऐसा फिगर बनाता थोड़ी, हम दूसरा फिगर बनाते हैं, हमको नहीं मालूम रहा इसलिए हमने अंदाजे पे बना दिया, लेकिन इक्वल है तो इक्वल है। ठीक, यानी ए बी और ये जो ए डी है वो इक्वल है। आगे बढ़ते हैं, अब हमको फाइंड करना है पेजेस्टल का हाइट, फाइंड करेंगे उससे पहले इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी हम 10 डी अप्लाई करेंगे, 10 डी यानी थीटा के जगह पे एंगल डी रखेंगे। ठीक, इन ट्रायंगल, अब क्यों रख रहा हूं ये आपको रीजन बताता हूं, हमको एडी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, जब तक एडी का वैल्यू मिलेगा नहीं तब तक हम एबी का वैल्यू बता नहीं पाएंगे, तो एडी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस ट्रायंगल में भी वही चीज अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल सी ए डी, इस ट्रायंगल में 10 डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन में एडी, ए सी आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, डी के जगह पे लेंगे 60 डिग्री, 1060 होगा ना, 1060 डिग्री इक्वल टू एसी, एसी आपका हो जाएगा। अब एसी के जवाब पे मैं बीसी प्लस एबी भी तो लिख सकता हूं, इन दोनों को ऐड करके भी तो लिख सकता हूं, अपॉन में एडी, 1060 का वैल्यू होता है √3, बीसी का वैल्यू है 1.6 मीटर प्लस एबी। अब यहां पर देख रहे होंगे तो एडी और एबी इक्वल है, तो एडी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं एबी, ठीक, या फिर अगर यहीं पास आपको चेंज करना है, देखिए यहां पास दो कंडीशन बन रहा है, अगर आपको एबी हटा के एडी लिखना है तो एडी लिख सकते हैं, जब एडी लिखेंगे ध्यान दीजिएगा तो एडी का जितना वैल्यू आएगा ना तो लास्ट में लिख दीजिएगा, सिंस एडी इक्वल टू एबी देयरफॉर एबी इक्वल टू जितना एडी का वैल्यू रहेगा, या फिर अगर आप एबी के जगह पे एडी नहीं लिखना चाहते हैं तो इस एडी को हटाइए और एबी लिख दीजिए, दोनों एबी एबी कर दीजिए, क्योंकि हमको एबी का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए यहां पर दो कंडीशन बन रहा है, ऊपर वाला हटाएंगे ना तो एडी लिखना पड़ेगा, नीचे वाला हटाएंगे तो एबी लिखना पड़ेगा, और दोनों में से किसी को हटाना ही पड़ेगा आपको, तभी जाके कट पिटेगा मतलब कटेगा, इसलिए आपको कोई सा हटाना पड़ेगा, कोई सा भी हटाइए दोनों इक्वल है,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में आप लिख दीजिएगा। मान लीजिए कि आप AB हटा रहे हैं तो AD का वैल्यू आएगा, तो लास्ट में लिख दीजिएगा कि ये दोनों इक्वल है तो इसका वैल्यू इतना है तो इसका वैल्यू इतना होगा। अगर आप डायरेक्ट AB का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इसको हटा दीजिए, AD को हटा दीजिए, AB लिख दीजिए, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, यहां पास हो जाएगा अंडर रूट 3 AB इक्वल टू 1.6 प्लस AB। यहां से AB को इधर भेजते हैं तो हो जाएगा अंडर रूट 3 AB माइनस AB इक्वल टू 1.6। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में AB कॉमन दिख रहा है, AB इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब AB इक्वल टू हो जाएगा हमारा AB इक्वल टू 1.6 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस 1। रेशनलाइज कर देते हैं, अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस 1। रेशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और उसके बाद ही माइनस करेंगे, यानी यहां माइनस है तो प्लस करके माइनस प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, रेशनलाइज क्लास 8 में आप लोग पढ़ाई होगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पास हो जाएगा AB इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट में इसको रख देते हैं, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी के फॉर्मेट में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो आइडेंटिटी है वो लग जाएगा, तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1, एंड 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। अब ये 2 से कट जाएगा तो AB इक्वल टू हो जाएगा 0.8 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस पेडेस्टल का जो हाइट होगा वो हो जाएगा 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। यहां पर लिख लीजिएगा हेंस हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऐसे सॉल्व करना रहा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।